Hello, welcome to the Kashmir series, and it is going to be our first night in Kashmir. अभी पहले वाला व्लॉग देख के आया हूँ, सब कुछ पता हुआ नहीं, देखा तो देख लेना। रात हो गई है, रात ऑलमोस्ट हो गई है बेसिकली, और अब फाइनली मैंने जगह डिसाइड कर ली कैंप के लिए। ये बदलने वाली नहीं, बहुत सोच समझ के डिसाइड किए ये कैंपिंग स्पॉट। लाइन्स दिख रही होंगी चारों तरफ, और ये बेस्ट है ना आग चलाने के लिए। कुछ कचरा ही पड़ा, इसको भी जला देंगे। सूखी लकड़ी है, लाइन थोड़ी वहाँ से थोड़ी हवा से बचाव होगा, हवा से। साइड में और पत्थर रख दूंगा, बस पानी की थोड़ी दिक्कत हो जाएगी क्योंकि नदी यहाँ से दूर है, तो पानी भर के लाना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। अभी सबसे पहला काम है सूखी लकड़ियाँ लाना, वो लेके आता हूँ। जब आपके पास बहुत सारा काम हुआ करे ना, तो ये सोचने में रोने में टाइम मत वेस्ट किया करो यार, कितना सारा काम है। बिकॉज एट द एंड कोई ऑप्शन तो होता नहीं है, करना तो आपको ही है, तो बस काम में लग जाया करो। और काम को ना डिवाइड कर लो, जैसे मेरे पास अभी बहुत सारे काम है, टेंट लगाना है, खाना बनाना है, वो चूल्हा भी बनाना है उसका, और लकड़ियाँ ढूंढनी है। तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया, ऊपर से थक गया हूँ मैं, हल्का हल्का बुखार आने लगा है मुझे। तो सबसे पहले मैं जा रहा हूँ लकड़ियाँ लेने, एक काम कर लूँ मैंने वो करने जा रहा हूँ, और ये कचड़ा भी ले जाऊँगा, प्लास्टिक की बॉटल्स इन्हें भी जला देंगे, पड़ी रहने से तो बेटर है ना जल जाए। सूखी लकड़ियाँ खा लेंगी यार। ओके, वो रहा, कुल्हाड़ी लेके आनी चाहिए थी, तो ये आसान नहीं है। लकड़ियाँ सूखी है, तुम लग तो रही। चलो आज रात साथ चलो, आज की रात हमारे साथ, तुम भी क्या याद रखोगी। एक और बकरवाल घर पर यहाँ भी रहता है एक्चुअली, जो बकरवाल होते हैं ऊपर की साइड भी, वो सब अब यहाँ से जा चुके हैं क्योंकि सर्दी आने वाली है, अक्टूबर स्टार्ट हो गया है, और अब तो हमारी तरफ आगरा साइड में भी सर्दी हो गई है, मतलब सर्दियाँ जल्दी आ रही हैं। तो वो सब लोग नीचे चले जाते हैं सर्दियों के टाइम में। वो दूर से छोटा लग रहा था, माँ की आँखें बहुत बड़ा है ये। आग जलाना बहुत मुश्किल काम है भाई, जब तो जल रही है, मतलब इस आग को थोड़ा ठीक से जल जाने दो, बैठ जाने दो, तब तो कैंप लगाते हैं। चलो यहाँ पे आग भी जल रही है, कैंप भी रेडी है, सामान डालते हैं अंदर। चलो भाई, इसके बिना तो रात नहीं कटेगी, सर्दी काफ़ी है, जुकाम हो गया मुझे, सर में दर्द हो रहा है, कुछ खा पी के दवाई खा लूँ पहले। तू भी अंदर चला जा। अरे यार, ये बैग आग कितना पास है, ये मेरे दोस्त का बैग है, बॉस का, उसकी जान से प्यारा किसी को नहीं देता वो, बट मेरे को दिया उसने चेतावनी के साथ, बॉस ऐसे कुछ होना नहीं चाहिए, तो इससे कुछ नहीं होने दे सकते हम। ओके, कन्फर्म है भाई, लिख के ले लो, अगली बार कुल्हाड़ी लिए बना नहीं आने वाला हूँ, गारंटी। आज कुल्हाड़ी होते तो ऐसे दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती। अंधेरा होने वाला, एक तो ऊपर से लकड़ी नहीं मिल रही, भाव बढ़ रहे हैं लकड़ी के, वैसे कोई पूछता नहीं है तुम्हें, पढ़ी रहती हो। अब पड़ेगी ना रात आराम से, काफ़ी सारी लकड़ी लगती है, मेरे ख्याल से बहुत रहेगी, आग तो जलती रहेगी। पहले पानी भर लो यार, बोतल वहीं छोड़ आया था, और अंधेरा इतना हो गया कि रास्ता भी याद नहीं रहेगा वापस आने का और जाने का, टॉर्च जलानी पड़ेगी। अब मेरे को वो याद नहीं, मैं बोतलें कहाँ छोड़ा था, और मैं उन्हें एक ही बोतल है मेरे पास यार, हद कर दी मैंने भी, मतलब हद को बोतल ढूंढ रहा हूँ अपनी,
बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे बस जंगल में रात को घूमना। नेचर से प्यार है, दिन दिन में प्यार है। दिन में जो खूबसूरत लगता है ना, रात मिल गई, रात को उसी से फटती है। चलो पानी भर लेता हूँ जल्दी से, कहाँ बह रहा है अच्छे से। होल्ड ऑन, पानी गर्म करते हैं। सीरियसली लुक एट द व्यू, माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस। चार, एक लास्ट, ये पांच। अब इनके ऊपर थोड़ा कोयला रख देते हैं, जैसे कि ये एक बार कुछ जल जाए कोई दिक्कत नहीं, मैं जले हुए खा लूँगा, कच्चे नहीं खा पाएंगे बस, इसलिए मैं सोच रहा हूँ आग जला जाओ थोड़ी। सुबह के 4:30 बज रहे हैं, रात अच्छी भी थी, नींद काफ़ी अच्छी आई, और मुझे पता है देखो कि अंदाज़ा सी बस से लगा लो कितनी अच्छी आई होगी। चश्मा रखा था पास में, मैं उस कोने में सो रहा था पैदा भी, और इधर आ गया हूँ एकदम गेट के पास, चश्मे की क्या हालत हो गई। खैर मुझे अंदाज़ा था ऐसा कुछ होगा, तो मैं दो चश्मे एक्स्ट्रा लाया था, चलो उन्हें निकालने का टाइम आ गया।